पहली बारिश हुई, बारिश हुई तो फसल बई, तो दो दो बारी थैलियाँ लाया उरी, तो हम की मतलब ही नहीं रहो भाची उगी को ने भाची और लाया वरी उरी और खोद रिया, तो भी यह फसल तो बढ़ रही मूंगफलियाँ मक्की ज्वार दो दो बारी उरी सब ने। अब 15-20 दिन तो बरखा नहीं तो ये भाची बढ़ जाए आ रही। बरसात की सख्त जरूरत है, बरसात की जरूरत है। कई बोयो रे ज्वार भी बई दो बारी, तो मूंगफलियाँ भी बई, तो मक्की भी बई थैली की लाल लार मक्की 800 रुपये की थैली लाल लार उरी की खाद भी लाया दो दो बारी, मतलब ही नहीं रहो मतलब खर्चा लाग रहा सारी बढ़ गई भैया, सारी बढ़ गई कहीं नहीं रहो। अब कही है तो दो दिन चार दिन बरखा नहीं तो बस सारी बढ़ जाए, बारिश ना रही सारी फसल खराब होगी या एक बार फिर भाई फिर सूख गई फिर और भाई फिर भी या भी सूख रही है सारी फसलें नष्ट हो रही है और दो चार दिन बारिश हो रही ना आई तो ये सारी फसलें फिर 10,000 रुपये तो लाग गया हथियार में और ये सारी फसलें सूख रही है कहीं कोने का मीन और ये जितनी भी फसल है सारी सूखी पड़ी है पानी का बिना सब सूख गई है धूलो उड़ गई खाद बीज का सारा फसल बेकार जाए। अगर बारिश ना आई तो सारी फसल भी बेकार जा रही है, पीछे ला गया बेकार हो गया कहीं मतलब ही कौन है 15-20,000 रुपया लाइए जो बेकार है और सब पानी पानी चाह रही और पानी कौन है फसल नष्ट है सब। अपने भीलवाड़ा ज़िले में अभी खरीद के अंदर अभी तक जो बरसात का जो ट्रेंड रहा अभी तक केवल 180 mm बरसात ही हो पाई जबकि अपने 632 mm एवरेज रेनफॉल अपने भीलवाड़ा ज़िले की रहती है। जहाँ तक बुआई का सवाल है केवल 78% बुआई हो चुकी है, 4,39,000 हेक्टेयर के अंदर अपना लक्ष्य था उसके अगेंस्ट में 3,43,000 के करीब बुआई हो चुकी है जो कि 78% है। जहाँ तक आदान का है आदान में अपने पास खाद की और बीज की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मानसून देरी से आने की जहाँ तक संभावना है तो हम खासकर भाइयों को यही सलाह दे रहे हैं कि अब क्या है कि मक्का उड़द मूंग कपास ये तो इनका तो बुआई का समय गया, अब तो अगर मान लिया बरसात आती है 25 से 31 जुलाई तक बरसात आने की संभावना प्रबल मानी जा रही है मौसम विज्ञान के अनुसार, तो फसल आती है तो जो चारे वाली फसलें हैं मुख्य तौर पर ज्वार है बाजरा है या और भी चारे वाली फसलें हैं उनको उगाने के लिए हम खासकरों को सलाह देंगे। और आज इसके साथ ही हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो लागू हुई है अपने ज़िले के अंदर उसके लिए 31 जुलाई लास्ट डेट है, आज माननीय कलेक्टर साहब के कर कमलों द्वारा हमने हरी झंडी दिखाकर दो रथ रवाना किए हैं। ये दो रथ 16 तहसीलों में घूमेंगे और कृषि विभाग की योजनाओं के साथ साथ जल शक्ति योजना जो कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही है जल शक्ति योजना फार्म पाउंड है पाइपलाइन है इनका भी प्रचार प्रसार करेंगे और काश्तकारों के खेतों पर जो ग्रीन फेंसिंग करवानी है वो उनके लिए भी पूरी जानकारी काश्तकारों को देंगे और उसके साथ ही काश्तकार 31 जुलाई तक सभी का इसमें कवर हो ये पूरा प्रयास हमारा।